फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड का फॉर्म भरना सिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 2018 का बिल्कुल लेटेस्ट वे है। और फ्रेंड्स, पूरा देखना, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा, पूरा सही से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले फॉर्म नंबर 49A है पैन कार्ड का, जो आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के टाइम पे भरना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे ये दो फोटोज लगानी है, ठीक है। यहाँ पे इस बॉक्स में आपको यहाँ साइन करने हैं, और ये वाली जो फोटो, इस पर आपको क्रॉस साइन करना है, ऐसे ऐसे करके अपना, जैसे राघव सूद RGHV, ऐसे करके ऊपर फोटो की तरफ ले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है सर आई वी, यहाँ पे आप वी कर दो, यहाँ पे आप वी कर दो। तो एरिया कोड AO टाइप है, ये आप छोड़ दो। अगर आपको पता है तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फुल नेम में आपको श्री श्रीमती कुमारी, जो भी है आपका फुल नेम में, जो भी है श्री है या MS, वो आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, आपको नाम भरना है, लास्ट नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम। और यहाँ पे आपको अपना पूरा नेम भरना है, जैसे इसका नाम है राधेश्याम, तो आप यहाँ राधेश्याम भरिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा नाम है, अगर है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं करना है, ये गलती से मैंने टिक लगा दी, ये आपको कुछ नहीं। अगर यहाँ पे आपका दूसरा नेम है तभी ये आपको ऑप्शन भरना है, ठीक है। जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है, आप यहाँ भर दीजिए। उसके बाद फादर नेम, जैसे इसका फर्स्ट नेम फादर का है मैंगरे, ठीक है, तो आपको मैंगरे ही भरना है। लास्ट नेम इसका नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर इसका, ठीक है, अगर इसका लास्ट नेम बताओ तो लास्ट नेम ही भर सकते हो। उसके बाद आपको ये एड्रेस भरना है पूरा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ स्टेट, पिन कोड और इंडिया, ठीक है। और ये बाकी ये आप छोड़ दीजिए। अगर आप कोई जॉब करते हो ऑफिस में, तो आप यहाँ पे अपने जॉब का, ऑफिस का एड्रेस भी भर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे आपको एड्रेस में मैंने यहाँ पे रेजिडेंस भर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री कोड, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेल आईडी। और फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल कैप्स में भरना है सब कुछ, आपको ये बड़े अक्षर में भरना है, ठीक है, छोटे अक्षर में नहीं भरना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में, यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल का बना रहा है, अगर कोई कंपनी होती तो कंपनी का, और कोई फर्म है फर्म का, उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल है इसलिए इंडिविजुअल का। और कोई आपको इस पर कटिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे सैलरी, सोर्स ऑफ इनकम, जो इसकी सैलरी है वो भरना है, ठीक है। उसका ये आपको छोड़ देना है फ्रेंड्स। अगर ये बंदा ITR भरता है, उसका कोई और ITR भरता है, इसलिए उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। फिलहाल ये आपको छोड़ देना है, ये आपको नहीं भरना होता है। वीडियो में आपको लोग दिखाएंगे कि ये भरना है, पर ये भरना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या क्या प्रूफ किए हैं, यहाँ पे भरिए, आधार आपने दिया है, और यहाँ पे भी आपने आधार प्रूफ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे प्लेस, और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर उसका ऐसे सिग्नेचर होगा, ये आपको छोड़ देना है, यहाँ पे इसका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। और फॉर्म फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि अगर जैसे ये जो मैंने एड्रेस यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये जो एड्रेस है, ये बंदा किसी पहले, इसका आधार कार्ड किसी और एड्रेस का था, पर अभी ये 1 साल से इस एड्रेस पे रह रहा है, तो ये यहाँ पे मैंने दूसरा एड्रेस इसलिए भरा है क्योंकि उसको दूसरे एड्रेस पे चाहिए पैन कार्ड, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक एनेक्सर भरना होता है, तो एक एनेक्सर आता है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप उस एनेक्सर को भर के उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से साइन करवा के उसको पैन कार्ड के साथ जमा करवा सकते हो, ठीक है। तो आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। कोई अगर डाउट हो फ्रेंड्स तो कमेंट करना, कुछ भी क्वेरी हो, वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।